चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी, और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में अब कितनी हलचल देखने को मिल रही है, और किस कम्युनिटी में आगे और अच्छे निवेश के मौके तलाशे जा सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना आज कुछ नरमी के साथ ही ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर, और वायदा में भी सोने चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कुछ गिरावट बनती नजर आई है। बात करें अगर सबसे पहले इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट की, तो गोल्ड इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर अब 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और $1965 पर है। वहीं सिल्वर भी लगभग 2.5% की गिरावट के साथ $25 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले शाम में सोने चांदी का जो बाज़ार है वह अब वो थोड़ा और टूटता नज़र आ रहा है। बात करें अगर अब घरेलू वायदा बाज़ार की, तो घरेलू वायदा बाज़ार में हमने सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी है। आज सिल्वर 2% की गिरावट के साथ 69,023 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है, और जो सोना है वो 52,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। अब ठीक एक हफ्ता पहले नज़र डालें सोने चांदी की कीमतों पर, तो एक हफ्ता पहले हमने सोने चांदी की कीमतों में ज़ोरदार उछाल देखा था। चांदी $26 के ऊपर ट्रेड कर रही थी और सोना 2065-70 इस रेंज में था। लेकिन जो अपना लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड था, जो सोने ने लॉकडाउन के दौरान 2020 में छुआ था $2075 का, उसको बस टच करते करते रह गया था। फिर वहां से कीमतें स्लिप होते होते अब $2000 के नीचे आ गई है, $1960 के करीब है। अब सोने चांदी में गिरावट आ क्यों रही है उसकी बात करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि सोने चांदी में गिरावट है, अब क्यों आ रही है उसके कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक यानी कि US फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं कुछ, और दूसरा कुछ और भी बढ़ोतरी हो सकती है ब्याज दरों में, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो बाजार सोने चांदी की जो कीमतें हैं हमने उनमें एक नरमी आते हुए देखी है। अब फेडरल रिजर्व बैंक के ऐसा करने से जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं और जो बाकी बॉन्ड्स हैं 10 साल वाले, उनमें तेज़ी दर्ज हुई, उसका असर कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है। लेकिन जानकारों का यही कहना है कि सोने चांदी में अभी भी कुछ तेजी बनती नज़र आ सकती है। जो मार्केट है ऐसे ही हाई वॉलेटिलिटी के साथ यानी कि ज़ोरदार उठापटक के साथ आगे भी देखने को मिलती रहेगी, लेकिन कीमतों में अभी भी उछाल संभव है। सोने चांदी की कीमतों में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। घरेलू वायदा की बात करें तो घरेलू वायदा में जो अगर लंबी अवधि में सोने की जो कीमतें हैं फिर से 55,000 का स्तर छूती हुई नज़र आ सकती है। वहीं जानकारों के अनुसार चांदी में सोने के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी लग रही है इस बार। जो चांदी है वो एज अ प्रेशियस मेटल और एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी एज अ बेस मेटल में दोनों में ही इस्तेमाल की जाती है, और जिसकी वजह से चांदी की जो इंडस्ट्रियल मांग है वो लगातार बनी रहती है और दोनों ही तरह से चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चांदी की मांग ज़्यादा रह सकती है सोने के मुकाबले, और कीमतों अगर परसेंटेज वाइज कीमतें भी देखें तो चांदी में भी ज़ोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं 2022 में भी हमने सोने का जो आयात है उसमें बढ़ोतरी होते हुए देखी है, तो मांग तो है, लेकिन अब जो ऊपरी स्तर देखने को मिलेंगे क्या वहां पर भी मांग देखने को मिल पाएगी, अब ये वक्त ही बताएगा। उसके लिए भी आपको और आगे जैसे जैसे कीमतें बढ़ती रहेंगी सिनेरियोस क्या बनते हैं उसकी भी जानकारी देते रहेंगे। बात करेंगे अब यहाँ पर हम कच्चे तेल की, तो हम देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $103 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लगभग 5% की गिरावट है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 पर ट्रेड कर रहा है लगभग 4% की गिरावट के साथ। देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में भी ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। ब्रेंट क्रूड ऑयल हमने
$139, $140 तक जाते हुए देखा था, फिर वहाँ से ऊपरी स्तरों से कच्चा तेल लुढ़का है। WTI की कीमतों में भी जोरदार गिरावट है। अब खबरें ये निकल के सामने आ रही हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच वार्ता हो सकती है, कुछ समझौता हो सकता है, जिसकी वजह से कच्चे तेल का जो बाज़ार है थोड़ा ठंडा होता नज़र आया, थोड़ा सुस्त होता नज़र आया। लेकिन जानकारों का यही कहना है कि जब ऐसी जंग छिड़ जाती है तो किसी भी कम्युनिटी के लिए या फिर किसी भी टॉपिक पर जब बातचीत होती है तो उसके जो रिज़ल्ट हैं तुरंत सामने नहीं आते, उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। और दूसरा, अभी मार्केट टाइट ही है, जो ओपेक है वो भी अपनी पूरी क्षमता से कच्चे तेल की जो उत्पादन है उसको मार्केट में नहीं बढ़ा पा रहा है। कच्चे तेल की जो सप्लाई है मार्केट में वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ओपेक और जो बाकी कच्चे तेल की कंपनीज़ हैं जो कच्चे तेल के मुख्य उत्पादक देश हैं उन पर एक प्रेशर क्रिएट होता है इससे कि कच्चे तेल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि ओपेक की 2 से 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं इसी दौरान और ओपेक ने अपने पुराने प्लान पर ही स्टिक टू रहने का फैसला किया है जो कि 4 लाख बैरल पर डे का था। ऐसे में ओपेक के ऊपर भी प्रेशर है कि कच्चे तेल का उत्पादन ऐसे माहौल में नहीं बढ़ेगा तो फिर कब बढ़ेगा। बाकी देशों का प्रेशर भी अब कहीं ना कहीं ओपेक के ऊपर आता नज़र आ रहा है। और बीच में अब ये जो इराक की जो न्यूक्लियर डील होनी थी उसमें भी ऐसा कुछ खबरें नहीं आई है कि रिवाइव होती नज़र आ रही है या रिवाइव हो चुकी हो, उसमें भी डिले ही होता नज़र आ रहा है। और दूसरा, ईरान ने इराक के ऊपर मिसाइल दागी है जिसकी वजह से जो इराक की जो न्यूक्लियर डील है उसमें बाधाएं, इसलिए कच्चे तेल की जो मार्केट है उसमें भारी उठापटक देखने को मिलेगी, हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में अभी भी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जानकारों का यही कहना है कि कच्चे तेल भले ही रेंज में हो जाए लेकिन जो कीमतें हैं उनमें निचले स्तर से फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है, कच्चा तेल में अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने गोल्डमैन सैच हुआ या फिर अन्य रिसर्च एजेंसीज़ हुई, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बोल दिया था कि कच्चा तेल जो है वो $150 प्रति बैरल के भी पार जा सकता है, जिसकी वजह से कच्चे तेल का जो बाज़ार है उसमें ज़ोरदार उछाल आया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कच्चे तेल के जो कीमतें हैं उनमें नरमी देखने को मिल रही है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। क्योंकि अगर विदेश में अगर $1 की भी कच्चे तेल में तेज़ी आती है तो उसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। अगर विदेश में $1 की तेज़ी होती है तो भारत में पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगभग 50 से 60 पैसे बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से जब कच्चे तेल के दाम $80 तक थे तब से लेकर अगर अब तक नज़र डालें तो 12 से 15 डॉलर बढ़ चुके हैं, जिसके हिसाब से जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं भारत में $15 से $20 या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी जारी रहती है। तो बात करेंगे यहाँ से बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $4.5 पर ट्रेड कर रहा है, 2.5% की गिरावट है। M6 जिंक 314 पर है, 1% की गिरावट के साथ। M6 निकल 2849 पर, 2% की तेज़ी है। और M6 लेड 183 पर है, 0.25% की तेज़ी के साथ। निकल में देख रहे हैं कि आज जाके कुछ तेज़ी बनती नज़र आई है, वरना सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखी गई थी वो निकल में ही देखी गई थी। जो निकल 5000 के ऊपर था वही निकल 2600 तक जाता नज़र आया था। एक ही दिन के अंदर अंदर निकल में तेज़ी भी रही थी और एक ही दिन के अंदर अंदर निकल में ज़ोरदार गिरावट भी बनी थी। बेस मेटल्स की बात की जाए तो खपत तो ठीक ठाक हो रही है, कंजप्शन अच्छा खासा है, लेकिन मार्केट टाइट है, सप्लाई टाइट है। जो इन्वेंट्रीज हैं बेस मेटल्स की उनमें गिरावट है। जैसे रशिया है, रशिया स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, सप्लायर है, तो ऐसे में जब युद्ध की स्थिति वहाँ से हो रही है तो स्टील की जो इंडस्ट्री है उसको जो स्टील की सप्लाई होनी थी वो बाधित हो रही है और जो इन्वेंट्रीज हैं लगातार कंपनीज के पास जो बची कुची हैं उनमें लगातार गिरावट ही आ रही है, जिसकी वजह से स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ या कोई भी बेस मेटल हुआ, सबकी कीमतों में ज़ोरदार इजाफा देखने को मिला था। हर एक कम्युनिटी के जो दाम है, रशिया यूक्रेन के जो जंग चल रही है, जो युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से उनमें तेज़ी देखने को मिली थी। बेस मेटल्स की कीमतों में भी तेज़ी इसी का ही नतीजा है। दूसरा, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिकल जो बेस मेटल्स हैं उनकी खपत बढ़ेगी। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें भी निवेश किया जा रहा है। रियल एस्टेट जो कि पिछले कोरोना के चलते पिछले कुछ साल से ठप पड़ा था,
अब धीरे धीरे रिवाइव होता नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से बेस मेटल्स की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रुझान जानकारों के अनुसार बेस मेटल्स में भी तेजी वाला ही रहने वाला है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, जानेंगे कि एग्री कमोडिटीज का बाजार अब कैसा देखने को मिल सकता है। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कॉटन से। तो कॉटन की कीमतों में हमने ऊपरी स्तर से भारी बिकवाली आते हुए देखी थी। कॉटन की कीमतों में जब तेजी बनी थी सबको यही लग रहा था कि जितनी तेजी आनी थी अब आ चुकी है कॉटन में, अब यहाँ से भारी गिरावट आएगी, भारी मुनाफा वसूली आएगी, जो कि हमने आते हुए भी देखी। लेकिन ज़्यादातर जानकारों का यही लग रहा था कि कॉटन की कीमतों में अब उतनी तेजी देखने को नहीं मिलेगी जितनी पहले देखने को मिली थी। मसलन कि 38,000 के लेवल फिर देखने को नहीं मिलेंगे, 36,000 तक सिमट के कॉटन रह जाएगी ऐसा मानना था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में फिर से तेजी आई है, कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो कॉटन का मार्च वायदा 38,300 पर है और कॉटन का अप्रैल वायदा 38,730 पर और 38,920 का हाई भी लग चुका है, 39,000 के बेहद करीब है। हल्की सी मुनाफा वसूली है लेकिन कॉटन की कीमतों में जिस हिसाब से तेजी आई है जानकारों को लग रहा है कि कॉटन अब यहाँ से और तेजी दिख रहेगी। अब कॉटन में जब नरमी आ गई थी तो अब तेजी आने के क्या कारण है उस पर नज़र डालते हैं। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है जिसकी वजह से उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतों पर पड़ता नज़र आ रहा है। अब कच्चे तेल में तेजी आना और कॉटन में क्या रिलेशन है इसकी बात करते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका पॉलिस्टर हुआ, तो जब पॉलिस्टर की जो कीमतें होती हैं या जब पॉलिस्टर बनाने में कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है और जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पॉलिस्टर की भी कीमतें बढ़ जाती हैं। और पॉलिस्टर एक फैब्रिक का ही पार्ट है, फैब्रिक की ही फैमिली से बिलोंग करता है और कॉटन भी उसी फैमिली से बिलोंग करती है, सेम कैटेगरी है, तो उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतों को मिलता है। और कॉटन की जो फिजिकल मांग है यानी कि जो भौतिक मांग है मंडियों के अंदर काफ़ी अच्छी है, उत्पादन में कमी है, उत्पादन आंकड़े फिर से घटाए गए हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। हमने देखा था कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लगभग 2 बार से जो कॉटन उत्पादन का जो अनुमान था, कॉटन की गांठों का जो अनुमान था वो घटा दिया है। लगभग 343.13 लाख गांठ के आसपास का उत्पादन का अनुमान आंका गया है अब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। और जो माल ढुलाई है उसमें तेजी है, इस बार कॉटन की फसलें खराब भी होती हुई नज़र आई थी जिसकी वजह से कॉटन की जो उत्पादन है इस बार कम देखा गया है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन की मांग है ठीक ठाक है जिसकी वजह से हमने कॉटन में तेजी आती हुई देखी। तो कॉटन में ओवरऑल रुझान तेजी वाला ही रहने वाला है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनका मानना है कि कॉटन की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, धीरे धीरे अब तेजी बनती नजर आ रही है। वहीं चाइना में भी कॉटन की स्टॉक करने की बातें कही जा रही हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो चाइना है कॉटन का स्टॉक कर रहा है। और जिसकी पॉलिस्टर भी क्रूड ऑयल तेज हुआ है जिसकी वजह से पॉलिस्टर की कीमतों में तेजी आई है, उसका असर कॉटन में देखने को मिला है। तो इन सब की वजह से कॉटन की कीमतों में आगे अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। अजय केडिया के अनुसार लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉटन है 40,000 से लेकर 41,000 तक के स्तर दिखाती नजर आ सकती है, तो कॉटन में भी निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। बात करेंगे अब यहाँ से बिनौला खल की। तो बिनौला खल में हमने 3400 तक का लेवल तो आते हुए देखा, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि 3400 के लेवल के बाद भी बिनौला खल में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी वो चीज़ देखने को नहीं मिली। बिनौला खल में 3500 का लेवल अभी तक देखने को नहीं मिला है, हालांकि जानकारों का जो नज़रिया था 4000 के लेवल का था, लेकिन बिनौला खल अब 3100 से लेकर 3400 के दायरे में ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कुछ कुछ जानकारों का ये मानना है कि मार्च या अप्रैल तक ही जो बिनौला खल है अगर तेजी दिखला सकता है तो वहीं तक दिखला देगा, अदरवाइज उसके बाद जो कीमतों में एक नरमी आनी शुरू हो जाएगी यानी कि एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो क्या बिनौला खल में देख रहे हैं कि अभी इस वक्त 3100 का ही लेवल देखने को मिल रहा है, बिनौला खल भी आज सुस्ती के साथ ही ट्रेड करता नजर आ रहा है एक सीमित दायरे के अंदर। बात करेंगे यहाँ से अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि ग्वार गम का अप्रैल वायदा 11,488 पर ट्रेड कर रहा है, 11,584 का ही लगा चुका है, 1% की बढ़त है। ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6,291 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6,316 का हाई लगा चुका है, 1.5% की तेजी के साथ।
देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड जो काफ़ी हफ्तों से सीमित दायरे में ट्रेड करते नजर आ रहे थे, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी थी जिनमें, वो अब तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वार गम और ग्वार सीड में जब भी तेजी आती है या नरमी आती है तो कच्चे तेल से रिलेट किया जाता है, क्योंकि कच्चे तेल की जो ड्रिलिंग है उसमें ग्वार गम के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्वार गम का पाउडर का इस्तेमाल होने का मतलब है ग्वार की कीमतों में तेजी आना, ग्वार की मांग बढ़ जाना और एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ जाना। लेकिन अभी क्यों तेजी आई, पहले क्यों नहीं बनी, उसका भी कारण है। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, जब नई नई बात थी 24 फरवरी के आसपास, तो रशिया से और यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट डिमांड थी ग्वार की वो हिट हुई थी, जिसकी वजह से ग्वार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला था। लेकिन अब युद्ध अभी भी है, लेकिन तो अब ग्वार में तेजी क्यों आ रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल अमेरिका हो गया, यूरोप, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल यानी कि रशिया का कच्चा तेल खरीदने से परहेज किया है, जिसकी वजह वो सब चाहते हैं कि रशिया जो हमला कर रहा है लगातार यूक्रेन पर, जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, तो रशिया थोड़ा शांत हो जाए और रशिया को थोड़ी आर्थिक चोट पहुँचे, थोड़ी फाइनेंशियल डाउन हो रशिया, तो इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने से परहेज़ किया है। और अमेरिका जब इतना बड़ा स्टेप ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो अमेरिका है कहीं ना कहीं से कच्चा तेल का उत्पादन बढ़ाएगा, तो अमेरिका अपना खुद का कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि ग्वार की जो यूज़ है, ग्वार का जो इस्तेमाल है वो वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अब जाके ग्वार की जो कीमतें हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता नज़र आया है। जो जानकार अब यहाँ से बता रहे हैं कि कच्चे तेल में जो तेज़ी रह सकती है और अमेरिका में जो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा, जिसके लिए ग्वार ड्रिलिंग के लिए ग्वार गम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसे में ग्वार गम की जो प्राइसेज हैं वो 12,500 या 13,000 तक फिर से जाते नज़र आ सकते हैं। वहीं ग्वार सीड की भी कीमतों को सपोर्ट मिलता नज़र आ सकता है, ग्वार सीड लंबी अवधि में 8,000 तक जाता नज़र आ सकता है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड जो पहले साइडवेज नेगेटिव ट्रेड करते नज़र आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीजन में जाते नज़र आ सकते हैं। बात करेंगे यहाँ से अब कैसा सीड की, तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का अप्रैल वादा 7,376 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 7,420 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी की बढ़त है। देख रहे हैं कि कैसा सीड की जो कीमतें हैं उनमें भी ठीक ठाक ही ट्रेड दर्ज हो रहा है, 7,300 के ऊपर सस्टेन है, अप्रैल वायदा 7,400 का हाई लगा चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब कैसा सीड में यहाँ पर अगर 7,500 के ऊपर का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो कैसे सीड की कीमतों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 7,700 तक के जो लेवल्स हैं कैसे सीड में वो देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से हमने कैसे की कीमतों में तेज़ी आते हुए देखी है। अभी मार्च का जो महीना होता है कैसे के अराइवल्स का रहता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है इस बार कम भी रहेगा, जिसकी वजह से कैसे की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी अभी भी मिल ही रहा है। तो कैसे में भी निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है, इन लेवल्स पर खरीदारी नहीं करनी है, ऊपरी स्तर पर खरीदारी नहीं करनी है, निचले स्तर ढूंढना है। अगर करेक्शन आती है कैसे में तो खरीदारी करें, 7,000-7,100 तक अगर बाजार मिलता है कैसे का तो जानकारों के अनुसार वहां पर खरीदारी करना सही रहेगा कैसे के लिए। बात करेंगे यहाँ पे मसालों की, तो मसालों में हमने एक अच्छी तेजी के बाद एक सीमित दायरे में कारोबार भी देखा है, निचले स्तर भी आते हुए देखे हैं। दरअसल अब जो एक्सपोर्ट डिमांड हिट हुई है रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते, उसकी वजह से जो बाकी देश है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, और सभी जगह कच्चे तेल की वजह से जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कम ही देखने को मिल रही है। अभी मार्च के महीने में अराइवल्स भी रहती हैं धनिया की, जीरे की, जिसकी वजह से आगों का प्रेशर बना रहता है, कीमतों पर प्रेशर बना रहता है। हालांकि इस बार उत्पादन कम ही रहेगा, लेकिन मंडियों में हम देखते हैं कि अक्सर जब आवक आती है तब जो बाज़ार है वो थोड़ा डाउन जाता है। यही हाल अभी धनिया, जीरा और हल्दी का देखने को मिल रहा है। हालांकि साल 2022 में मसालों की जो कीमतें हैं लगातार तेज़ी की ओर ही रहेंगी, मसालों का बाज़ार में अच्छा रहेगा, लेकिन अभी जो सिनेरियोस क्रिएट हुए हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते, उसकी वजह से मसालों का जो बाज़ार है अभी वो थोड़ा सुस्त रह सकता है। मसालों में अभी थोड़ी नरमी आते हुए नज़र आ सकती है।
तो ऊपरी स्तर पर मसालों में खरीदारी नहीं करनी है, निचले स्तर का वेट करना है, जितना निचला स्तर मिले तब वहाँ पर खरीदारी करें, या फिर अगर मसालों में पोजीशन बनाने से रुक सकते हैं तो रुक भी सकते हैं। बात करेंगे यहाँ से अब सोयाबीन की। सोयाबीन देख रहे हैं मार्च वायदा 7,750 के ऊपर है, 2% की करेक्शन है। आज हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें एक करेक्शन आती हुई नज़र आई है। सोयाबीन हमने 7,900 के लेवल्स पर क्लोज होते हुए देखी थी, पिछले कारोबारी सप्ताह सोयाबीन 7,900 पर भी ट्रेड करती नज़र आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब 7,750 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि US सोयाबीन वायदा में जो गिरावट आई है उसका असर सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है, लेकिन वायदा में उठापटक बनी ही रहती है, लेकिन मंडियों में किसानों को सोयाबीन के ऊंचे दाम मिल रहे हैं। मंडियों में किसानों को सोयाबीन के 7,650 तक दाम मिलते नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से किसानों ने मंडियों में सोयाबीन की जो आवकें हैं वो थोड़ी बढ़ा दी हैं, सोयाबीन की आवकों में मंडियों में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से किसान खुश भी नज़र आ रहे हैं कि चलो अब जाके कहीं किसानों को थोड़े सोयाबीन के दाम मिलते नज़र आए हैं। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा, पिछले साल के मुकाबले इस बार के जो सोयाबीन के जो दाम हैं वो अभी भी कम है। पिछले साल हमने सोयाबीन को हैट्रिक लगाते हुए देखा था, 10,000 के पार सोयाबीन की कीमतें जाती नज़र आई थी, लेकिन इस बार 7,700 के करीब हैं इस समय। किसानों को उम्मीद है कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें अभी और बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए किसानों ने ऊपरी स्तरों पर कुछ माल निकाल दिया है अभी सोयाबीन का, और कुछ माल सोयाबीन का आगे और अच्छी तेजी की उम्मीद में थोड़ा अभी बचा के रखा है। जानकारों का भी यही मानना है कि सोयाबीन की कीमतों में आगे जाके अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, चाहे वायदा बाजार हो या फिर हाजिर बाजार, दोनों ही बाजारों में सोयाबीन की कीमतों में आगे तेजी जारी रह सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि साउथ अमेरिका में यानी ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी सोयाबीन का जो उत्पादन है लगातार उसका जो अनुमान है कम किया जा रहा है विभिन्न एजेंसियों द्वारा, जिसकी वजह से जो वैश्विक सोयाबीन उत्पादन है वो कम रह सकता है। तो ऐसे में सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। हमने सोयाबीन, अब बात करेंगे यहाँ पे खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं उनमें भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, चाहे आपका रिफाइंड हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, CPO यानी कच्चा पाम तेल हो, कोई सा भी तेल हो, सब में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। वजह सिर्फ एक है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध होना। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है जिसकी वजह से भारत, जो कि खाद्य तेलों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और 60% से ज़्यादा तेल का आयात विदेशों से करता है, वहाँ पर रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते वहाँ से जो भारत सूरजमुखी का तेल आयात करता है तो वो अभी नहीं हो पा रहा है, उसमें बाधा आ रही है युद्ध के चलते, जिसकी वजह से जो सूरजमुखी तेल की जो खपत थी अब वो दूसरे तेलों की ओर डाइवर्ट हो रही है, यानी दूसरे तेलों की ओर जा रही है। ऐसे में आपका CPO हुआ, सरसों हुआ, सरसों तेल, सोयाबीन तेल हुआ, या फिर कोई भी अन्य रिफाइंड तेल हुआ जैसे मूंगफली हुआ, तो इनकी जो खपत है और जो दाम है, इनकी जो मांग है वो धीरे धीरे उठ रही है। लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि अभी जैसे सरसों की कटाई ज़्यादातर राज्यों में चल रही है, तो जैसे जैसे कटाई पूरी होती जाएगी और आने वाले कुछ महीनों में बाज़ारों में जो सरसों तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से जो खाद्य तेलों का जो बाज़ार है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा होता हुआ नज़र आएगा, कीमतों में थोड़ी नरमी आती हुई या फिर स्थिरता आती हुई ज़रूर नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती ही जाएंगी, सरकार भी ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेगी, जैसे कि सरकार ने पहले लिया था, सरकार ने पहले इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर फैसला लिया था, तो सरकार अभी भी ऐसा कुछ फैसला कर सकती है। अगर कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो सरकार भी फिर से एक्शन ले सकती है। सरकार ने इससे पहले स्टॉक लिमिट लगा दी थी और भी कई अन्य फैसले सरकार खाद्य तेलों की कीमतों को काबू में करने के लिए ले चुकी है। और एक और खबर निकल के सामने आ रही है कि जो ज़्यादातर देश हैं रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते, उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। हंगरी हुआ, हंगरी से ग्रेन्स बंद हो चुके हैं, नाइजीरिया से भी जो निर्यात है वो बंद हुआ है, रशिया से भी बंद हुआ है, यूक्रेन ने भी बंद कर दिया है, यूरोपियन यूनियन ने भी अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, अमेरिका में भी जो इन्फ्लेशन रेट है, जो यानी कि जो महंगाई दर है 40 साल की उच्चतम स्तर पर, जो कि बहुत बड़ी बात बैठती है। तो ऐसे में जब अधिकांश देश जो मुख्य देश हैं, निर्यातक देश हैं, जहाँ से ज़्यादातर अन्य देश आयात करते हैं कमोडिटीज़ का,
तो ऐसे में अगर वहाँ से निर्यात बंद होता है तो जो कम्योडिटीज़ हैं उनके दामों में इजाफा हो सकता है, चाहे वो कोई भी कम्योडिटीज़ हो, चाहे शुगर हो, दाल हो, तेल हो, कुछ भी कम्योडिटीज़ हो, तो उनमें ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिंसों में अभी तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर जो निर्यात है वो काफ़ी समय के लिए बंद हो जाता है, बाधित बंद किया जाता है विभिन्न देशों द्वारा, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक छोटा सा कम्योडिटी बाज़ार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में कम्योडिटी बाज़ार क्या, कम्योडिटी बाज़ार में कितनी हलचल देखने को मिल रही है, कम्योडिटी बाज़ार कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है और किस कम्योडिटी में कितनी मंदी तेज़ी आगे जाके देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाज़ारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एम सी वी पर। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।